सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ काम के रहते अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि कोई वीडियो वगैरह डालूँ, तो इस चक्कर में आप पहले तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। और अभी जो सी ये वीडियो है दोस्तों, आज की जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक डेमो रूम का प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा था, मेरा खुद का जो मैंने बनाना था, आपसे सब वाकिफ ही हैं उससे, तो वो पूरा तो वो अभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था कि मुझे दो प्रोजेक्ट और मिल गए थे कहीं और के, मतलब कि किसी क्लाइंट के, मतलब तो वो करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। अब वो जो बंदे मेरे पास काम करने वाले हैं दोस्तों, वो तो देखो एज इट इज़ उतने के उतने ही हैं, तो या तो मैं अपना करवा सकता था या उनका करता, तो इसलिए मेरे को अपना काम रोकना पड़ा और उनके जो से प्रोजेक्ट हैं मुझे वो करने पड़े। वो भी अभी चल रहे हैं, वो भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, इसी वजह से वीडियो भी बीच में मैं डाल नहीं पा रहा था। तो अभी का क्या था दोस्तों कि मैं ये सोच रहा था कि जो कंप्लीट अगर मैं वीडियो एक डालता हूँ ना उसकी, अपने जो थिएटर रूम बनाने की, तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार। वो कम से कम वो आधा घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो में ना आप फिर उसको स्किप कर करके देखोगे ना, तो यार वो बड़ी गंदी बात होती है, वो रमोंची खाने वाली बात होती है, फिर आप चीटिंग करते हो, रमोंची खाते हो उसमें। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अभी तक का जितना काम हुआ है मैं वहाँ तक की वीडियो आपको अभी दिखा देता हूँ, और उसके बाद में जो सा काम दूसरा होगा उसमें उसकी वीडियो मैं आपको एक और बनाकर अगले में डाल दूंगा। तो अभी का जो उनसे है दोस्तों, वो जो जो काम हुआ है वो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो फास्ट चलेगी काफ़ी, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें वॉइस ओवर करता रहूं साथ साथ, तो आपको पता लगता रहेगा कि अभी क्या क्या हो रहा है इस टाइम। बाकी तो आप पहले ये देख लीजिए वीडियो, उसके बाद मैं फिर आपसे दोबारा से रूबरू होता हूँ आपके पास। तो दोस्तों ये अभी हमारा जो स्टार्टिंग का काम है ये वो है, यहाँ पर मैं अभी इन्हें यही समझा रहा हूँ कि कहाँ पर हमने कैसा क्या करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस रूम एकोस्टिक के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो ऑडेन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसी को मैं यूज़ करता हूँ रूम एकोस्टिक के लिए, जिससे कि मुझे हर दीवार पर कितनी फ्रिक्वेंसी कहाँ जानी चाहिए और कहाँ पर किस डेंसिटी की हमें एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, इसी का पूरा हमें डिटेल मिल जाता है उसमें। और ये वैसे भी अगर आप भी मतलब इसे ख़रीदना चाहें तो 46,125 रुपये इसकी कीमत है एक साल के एग्रीमेंट के साथ में, और एक साल के बाद हमें इसे फिर से रेन्यू करवाना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो सी वॉल्स हैं उन पे हम पैनलिंग करेंगे, यानी कि लकड़ी के एक 2 इंची चौड़े और 2 इंची मोटे पीसीस काट कर हम इसमें एक फ्रेम बनाएंगे। ये अभी जो आप देख रहे हो ये फ्रेम बन रहा है पूरा, तो अब इसके अगले स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा दोस्तों। ये हमारा दूसरी दीवार का काम शुरू हो गया है यहाँ पर। और अगर दोस्तों हम प्रॉपरली सेटअप के अंदर में किस डेंसिटी का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है ये हम अगर ना ध्यान दें तो इससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पैनलिंग के अंदर में जो ग्लास कुल है उसे भरे जाना शुरू हो चुका है। तो अभी मैं इनमें यही बता रहा हूँ इन्हें कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से कहाँ पर हमें कौन सी डेंसिटी का शीट लगाना है, क्योंकि अगर हम डेंसिटी को गलत शीट लगा देते हैं वहाँ पर तो हमारी जो सी बेस है या जो हमारा हाइज है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या तो वो काफ़ी कम हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपके रूम में किसी हिस्से में वो बहुत ज़्यादा आए और किसी और हिस्से में अगर आप खड़े हैं या बैठे हैं तो वो आपको अलग ही एक तरीके से सुने कि वहाँ पर कहीं पे बेस ज़्यादा आ रहा होगा कहीं पर कम आ रहा होगा। तो इसी चक्कर में ये सॉफ्टवेयर हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो अभी यही इसमें पैनलिंग हो चुकी है जैसा कि सारी, तो जोन सी डेंसिटी जहाँ लगनी है
उसके बारे में मैं उनको साथ साथ बताता जाता हूँ और वो अपना पैनलिंग का काम जो है वो पूरा करते जाते हैं। जो ब्लैक जैकेट में आप जिन्हें देख रहे हैं ये हम मेरे फादर साहब हैं, मेरे पिताश्री। अभी हमारा जैसा कि ग्लास होल, जब पूरा हमारा ग्लास होल लग जाता है उसके बाद में ये हमारे बोर्ड हैं, MDF के बोर्ड हैं ये। इसमें हम इसमें इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये एक साइज़ निकाला जा रहा है कि कहाँ पर हमें जो मैं इसमें हॉल करना चाहता हूँ, मतलब कि जो छेद होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो कहाँ वो नापने के बाद में जाना। तो ऐसा अभी आप जो देख रहे हैं ये निशान लगने के बाद में यहाँ हम देख सकते हैं कि कटर की मदद से यहाँ पर गोले बनाए जा रहे हैं। एक गोला बड़ा है और एक गोला छोटा है। इसी तरीके से पूरे बोर्ड पर हम ये गोले जो उनसे हैं ये लगाते जाएंगे। ये भी अभी वही काम हो रहा है। ये जो अंकल हैं ये एक हथौड़ी और कील की मदद से निशान लगा रहे हैं कि कहाँ पर गोले होने हैं। और यहाँ पर मेरे जो फादर हैं वो भी आप देख सकते हैं कि गोले लगा रहे हैं। एक्चुअली हम सब मिलकर ही काम करते हैं, जो काम हम कर सकते हैं हमारे हाथ का होता है वो हम खुद भी करते हैं। ये मेरे तकरीबन 15 बोर्ड लगे थे पूरे, दो 15 बोर्डों में पूरा छेद करने का काम है। तो यहाँ पर मैं अभी बिटिंग वगैरह चेंज करते हुए दिखा था आपको। जो इस तरीके से ये सारे आप देख रहे हैं ये गोले से लगते जाएंगे, इसमें एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। अभी यहाँ पर ये लंच के लिए गए थे तो मैं खुद लग गया था कि चलो तब तक वो नहीं आते तो मैं तब तक अपना इनको गोले वगैरह बना लेता हूँ यहाँ पर। ये सभी अभी यही चल रहा है यहाँ पर, अभी गोले का काम ही है क्योंकि 15 बोर्डों में गोला करना। ये तो वीडियो बहुत जल्दी चल रही है, तकरीबन एक बोर्ड पे अगर हम ये पूरा गोले जो काटते हैं इसमें कम से कम हमारे 2 या 2.5 घंटे एक बोर्ड पर लगते हैं दोस्तों। और 15 बोर्ड करने तो आप जा देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा इसमें। ये भी आप अगर नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि एक छेद करने के बाद ड्रिल मशीन को रखा जाता है फिर दोबारा उठाया जाता है, तो वो इसमें ढंग से शो नहीं हो रहा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसे गोले काट रहे होते हैं तो जो हमारा गोला कटता है वो हमारे जो उनसे आगे कटर होता है वो उसके अंदर फंस जाता है, फिर उसे हमें दोबारा वहाँ से निकालना पड़ता है, फिर अगला गोला कटता है, फिर दोबारा उसे पूरा खोलना पड़ता है, फिर दोबारा से उसको निकाल कर उसके अंदर लकड़ी का जो गोला फंसा होता है उसे निकालते हैं, फिर उसे टाइट करते हैं, फिर दोबारा गोला आ जाता है। इसी वजह से 2-2.5 घंटे में एक बोर्ड। तो यहाँ भी मैं यही समझाता हुआ कुछ कि कैसे क्या करना है मेरे लिए बता रहा था। तो अभी यहाँ पर जो हमने गोले काटे थे, जिन बोर्ड पे गोले लगे थे उनके पीछे कपड़ा लगाने का टाइम है दोस्तों। ये जो कपड़ा होता है ये एकोस्टिक फैब्रिक आता है, ये आपको 350 रुपये मीटर मिलता है। यहाँ पर भी हमें कभी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना महंगा कपड़ा क्यों लगाएं क्योंकि ये तो अंदर ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कपड़े में बहुत फर्क होता है, मैं लगा कर देख चुका हूँ, वो बिल्कुल पैसे ख़राब करने वाली बात है। एकोस्टिक फैब्रिक जो है वो हमें होलसेल रेट पर जो आता है वो हमें 350 रुपये पर मीटर मिलता है।
350 रुपये भी जो है वो भी इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये जो उनका फैब्रिक है, ये 425 रुपये मीटर आया था। तो एक स्टेपल की मदद से हम इसमें बोर्ड पर स्टेपल करते जा रहे हैं इसे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बोर्ड को लगाया जा रहा है, जब वो पीछे कपड़ा लग चुका है उसके। पीछे जो गोले हैं आप देख रहे हैं, ये काले नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके पीछे सारा एकॉस्टिक फैब्रिक लगा हुआ है। सारी तरफ मैंने आपको एक बार घुमा के दिखा दिया था कि सारी तरफ हो चुके हैं। ये अभी जो उनका है, ये हमारा दीवार पे, सॉरी जो हमारा दरवाज़ा है उसके लिए बनाया जा रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ओपन है और वो शीशा है, तो उसे पूरा कवर करना होगा हमें, नहीं तो आप शीशा खड़कने की जो है वो आवाज़ आएगी आपकी वहाँ। इस तरीके से रूम लगता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैं खुद ही हूँ, ये चढ़कर ये मुझे पूरी जो से हमारी फॉल सीलिंग हुई थी इसको तोड़ना पड़ा था। एक्चुअली मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि बहुत सी जगह पे ऐसा ही होता है कि फॉल सीलिंग की गई होती है तो उसे हटाना पड़ता है। मैंने एक देखा था जुगाड़ कि शायद इसे ना हटाना पड़े, मगर वो कामयाब हुआ नहीं। तो दोस्तों ये था अभी का हुआ हुआ काम, इतना काम अभी हो चुका है। ये भी एक्चुअली मैं वीडियो जो सी ये भी 2 दिन पहले की वीडियो है, बट मैं अभी डाल रहा हूँ, तो अभी आगे का प्रोसेस जो सा वो शुरू होएगा। आपने देख लिया कि अभी यहाँ तक हो चुका है। अभी जो सा अगला वीडियो जो सा मैं इसका बनाऊंगा, उसमें दोस्तों क्या होगा कि एक तो जो जो मुझे यहाँ पर परेशानी हुई, जो जो मुझे चेंज करना पड़ा, और कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी मैंने कि एक देखते हैं कि क्या पता ये भी सक्सेस हो जाए, तो उसमें से क्या सक्सेसफुल हुआ और क्या नहीं हुआ ये भी मैं आप सबको बताऊंगा, ताकि अगर आप भी कभी फ्यूचर में ऐसा करते हैं तो आपको वो चीज़ का पता हो कि ये करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो वो भी मैं सारा आपको बताऊंगा। और अगली वीडियो जो हमारी दोस्तों बनेगी ना, उसमें हमने क्या करना है, देखिए हम अभी तक का जैसे आपने देख लिया कि पैनलिंग वेलिंग पूरी हो चुकी है, दीवारें जो सी हमारी हैं सारी, बोर्ड लग चुका है, सब पे हो चुका है कपड़ा वपड़ा, तो इस पर अभी जो होगा ना, देखो इसके अगली वीडियो में आएगा, एक तो इस पर पॉलिश होगा जो ये पूरा दीवार है, ये सारी पेंट होना है इस पर। दूसरा होगा कि आपने देखा होगा कि मुझे सीलिंग जो मेरी थी, फॉल सीलिंग थी, वो भी मुझे तोड़नी पड़ी, तो एक तो उसको देखते हैं उसमें क्या करते हैं अभी हम, तो उसका क्या हल निकालते हैं ये भी आपको मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा। और उसके बाद में जो वायरिंग होनी है इसकी, प्रोजेक्टर लगेगा, ये सब, और जो जो इक्विपमेंट मैं लगाऊंगा, जो मेरा मतलब कि ऑडियो सेटअप लगेंगे वो सारे, उसमें भी मैं दोस्तों काफ़ी कुछ सामान ऐसा है जो सा मैंने लेकर रख लिया है पहले ही, इसी पे यहीं लगाने के लिए, अपने यहाँ पर पर्सनली जो उनसे मैं यूज़ करूँगा उसे लगाने के लिए। और दोस्तों यकीन मानना, जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ना, जो सेटअप लगाकर, आपने वो चीज़ देखी नहीं होगी यार कभी, मतलब माइंड मत करना इस बात का, मगर नहीं देखी होगी आपने, गारंटी है इस चीज़ की मेरी। तो आप जब वो वीडियो देखोगे आपको भी मज़ा आ जाएगा यार कि क्या चीज़ लाए हो अमित भैया, मज़ा आ गया, मतलब ऐसी ऐसी आइटम मैंने लेकर रख ली हैं अपने पास में, और अभी मैं बताऊंगा नहीं उनके बारे में, बताना दूंगा तो वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो का वेट कर लो थोड़ी सी, फिर मज़े लेंगे उसी सेटअप के हम। तो अभी दोस्तों अभी तो मैं चलता ही हूँ ना, तो अभी आप बता दीजिएगा मुझे कि अभी तक का जितना काम हुआ है कैसा लगा आपको, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी दीजिएगा मुझे, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो तो आप पूछ सकते हैं, आपका भाई 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए। और बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वही लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अगर चाहो तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल को सिलेक्ट कर देना, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी मैं चलता हूँ, बाकी आप खुश रहें और आबाद रहें, यहाँ रहें या गाजियाबाद रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद। सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।